नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एट विच प्लेसेज आर रेजिन एंड टर्पेंटाइन ऑयल फैक्ट्रीज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बिरोजा फैक्ट्री कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नाहन और बिलासपुर, इन दोनों जगहों पर स्थित है बिरोजा फैक्ट्री हिमाचल प्रदेश में। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था, उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, टुंडा एंड स्यूल आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ। टुंडा और स्यूल किसकी सहायक नदियां हैं। आपको चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रावी। रावी की सहायक नदियां हैं टुंडा और स्यूल। अच्छा, बात हुई है टुंडा और स्यूल की, ये रावी की सहायक नदियां हैं। तो रावी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को एक बार रिवाइज कर। रावी का वैदिक नाम है पुरुषिनी, रावी का संस्कृत नाम है इरावती, रावी का राइस जो होता है वो होता है बड़ा बंगाल, जो की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। बादल, स्यूल, साहो, टुंडा, बैरा, तंतागिरी और चीरचुंदन नाला, ये रावी की सहायक नदियां हैं। रावी हिमाचल प्रदेश में टोटल बहती है 158 किलोमीटर। चंबा शहर जो है रावी नदी के राइट साइड में बसता है। रावी डिस्ट्रिक्ट चंबा को खेरी के समीप छोड़ती है और जम्मू एंड कश्मीर में ये एंटर कर जाती है। रावी चेनाब नदी के साथ मिलती है पाकिस्तान में जाकर। रावी नदी जो है वो पीर पंजाल रेंज को धौलाधार रेंज से अलग करती है। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट पंजाब में स्थित है और रिसेंटली न्यूज में भी था, ये रावी नदी पर बन रहा है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए रावी नदी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर टू है, धाबिन एंड चौंतो वैली सिचुएटेड इन। धाबिन और चौंतो वैली कहाँ स्थित है। आपको चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बिलासपुर। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है धाबिन और चौंतो घाटियां। अच्छा, बात तो यह डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था 1 जुलाई 1954 को। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का एरिया है 1167 स्क्वेयर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। बिलासपुर का प्राचीन नाम है कहलूर, जिसकी स्थापना वीर चंद के द्वारा की गई थी। और बिलासपुर की स्थापना जो है वो की गई थी दीप चंद के द्वारा 1654 में। बिलासपुर के लास्ट राजा थे राजा आनंद चंद, और आनंद चंद के द्वारा एक किताब भी लिखी गई है, उसका नाम है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। गुरु का लाहौर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। टैंक रिवालसर, टैंक जमताल, झांझरदार डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। छातीपुर फोर्ट, फतेहपुर फोर्ट, बहादुरपुर फोर्ट, कोट कहलूर फोर्ट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। जंगल थलेरा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। इतने बेसिक से क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन आप याद रखिए बिलासपुर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर थ्री है, तीज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तीज का त्योहार किस जिले में मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सिरमौर। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में मनाया जाता है तीज फेस्टिवल। अच्छा, बात हुई है फेस्टिवल्स की, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड कर चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। शिवरात्रि मेला मनाया जाता है फाल्गुन के महीने में। सैर मेला मनाया जाता है असौज महीने की पहली तारीख को। और मणिमहेश यात्रा शुरू होती है सेप्टेम्बर के महीने में, और मणिमहेश यात्रा समाप्त हो जाती है राधा अष्टमी के दिन। फुलैच फेस्टिवल बाधों और असौज के महीने में मनाया जाता है। लदराचा मेला किब्बर में मनाया जाता है, और ये जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। चैरवाल फेस्टिवल बाधों के महीने में मनाया जाता है। छतरारी यात्रा शुरू होती है अक्टूबर के महीने में। मिंजर मेला शुरू होता है सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ, और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ को ये समाप्त हो जाता है। सूही मेला 15 तारीख को शुरू होता है चैत महीने की, और 1 तारीख को समाप्त हो जाता है बैसाख महीने की। रेणुका मेला जो है वो दिवाली के 10 दिन बाद शुरू होता है। बरलाज मेला मनाया जाता है सोलन और बिलासपुर में, और ये दिवाली के 2 दिन बाद शुरू होता है। पत्थर का खेल मेला हल्लोग में खेला जाता है, और ये दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक मंथ को मनाया जाता है। बिशु, बिशुवा, बैसाखी फेस्टिवल ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है, और नवाली फेस्टिवल जो है मंडी में मनाया जाता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं फेयर और फेस्टिवल से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, तिनान इज द लैंग्वेज ऑफ विच वैली। तिनान किस घाटी की भाषा है। आपको चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रा वैली। चंद्रा घाटी की प्रसिद्ध भाषा है तिनान। अच्छा, बात हुई है लैंग्वेजेस की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक लैंग्वेज से रिलेटेड कर चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। हिमाचल के प्राचीन लोगों के द्वारा कोलारिया भाषा बोली जाती है, और मलाना जो कुल्लू का प्राचीन गांव है उनके लोगों के द्वारा बोली जाती है कनासी भाषा।
कुमारसेन, कोटगढ़ और रामपुर के लोगों के द्वारा कोची भाषा इस्तेमाल की जाती है और जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू के लोगों के द्वारा बैरबेरी भाषा बोली जाती है। मंचद और चिनाली भाषा बोली जाती है स्वांगलास के द्वारा और किन्नौर के 75% लोगों के द्वारा मंचद भाषा बोली जाती है। और एक क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया, तिनान भाषा जो है चंद्रा घाटी में बोली जाती है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए भाषा से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन हिमाचल में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1977, 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती हिमाचल प्रदेश में। अच्छा बात हुई है सरकार की, तो याद रखिए 1977 में पहली बार जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी तो कौन सी पार्टी जो थी वो सत्ता में आई थी, तो उस समय सत्ता में आई थी जनता दल पार्टी। और जनता दल पार्टी के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे श्री शांता कुमार जी। और जब पहली बार बहुमत हुआ था तो कांग्रेस को कितनी विधानसभा सीटें मिली थी, पहली बार जब बहुमत हुआ था तो कांग्रेस को टोटल सीटें मिली थी 24। और 1952 में मेन ऑपोजिशन पार्टी कौन थी, 1952 में मेन ऑपोजिशन पार्टी थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी। 1952 के जब इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी और किसान मजदूर पार्टी को जो थी वो 3 सीटें मिली थी, और मेन ऑपोजिशन पार्टी थी उस समय। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए फर्स्ट टाइम इलेक्शन जो हुए थे उनसे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु बिल्ड द शीश महल एंड मोती महल इन नाहन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century। नाहन में शीश महल और मोती महल किसने बनवाया। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी फतेह प्रकाश। सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश के द्वारा बनवाया गया था नाहन में शीश महल और मोती महल। अच्छा बात हुई है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई है और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के संस्थापक माना जाता है राजा सुभंश प्रकाश को, जिन्होंने 1195 में राजवन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी की स्थापना 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा की गई। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की राजवन से कलसी। सुमेर प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया रतेश को। सूरज प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया कलसी को। राजा बुद्धि प्रकाश ने अपनी राजधानी बनाया राजपुरा को। और राजा वीर प्रकाश ने अपनी राजधानी हाटकोटी को बनवाया और हाटकोटी में उन्होंने रावीनगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1379 में सिरमौर को अपनी शाखा बनाया था और उस समय सिरमौर के राजा थे राजा भगत प्रकाश। सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश जो थे वो शाहजहां के समकालीन थे। औरंगजेब ने कलनखार और सरहानपुर के एरिया जो थे वो राजा सुभंग प्रकाश को भेंट किए थे। जब गुरु गोविंद सिंह सिरमौर आए थे तो उस समय सिरमौर के राजा थे राजा मेदिनी प्रकाश। पीच वैली, क्यारदून वैली, पनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता सिरमौर में पूजे जाते हैं और सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमीशन के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुर्नेवाला सिरमौर में स्थित है। डांगरा डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा। हर फोक सॉन्ग है सिरमौर का। लोहगढ़ किला, जातक किला सिरमौर में स्थित है। राजेंद्र प्रकाश लास्ट राजा थे सिरमौर। कादसान का युद्ध जो था वो गुलाम कादिर रोहिल्ला और राजा जगत प्रकाश जो कि सिरमौर के राजा थे उनके बीच में हुआ था। छालरा और बालरा का युद्ध धर्म प्रकाश के बीच में हुआ था। सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश के बीच में हुआ था और हिंडूर के राजा राम सिंह के बीच में हुआ था। मेहता प्रेम सिंह प्रसिद्ध वजीर थे सिरमौर के। और जातक किला सिरमौर में 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए सिरमौर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग राजास ऑफ कुल्लू मर्ज्ड कोटी बरसाई विद द किंगडम आफ्टर मैरिंग रूप सुंदरी द रूरल ऑफ टेरिटरी। कुल्लू के किस राजा ने रूप सुंदरी से विवाह कर कोटी बरसाई को अपने राज्य में मिलाया। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राजा राजेंद्र पाल। राजा राजेंद्र पाल ने जो था वो रूप सुंदरी से विवाह किया था और कोटी बरसाई को अपने राज्य में मिला लिया था। अच्छा अब बात हुई है कुल्लू की, तो कुल्लू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का एरिया है 5,503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। लालचंद पारथी गैलरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कुल्लू तो देश की कहानी किताब लिखी थी लालचंद पारथी ने। जलोरी दर्रा हमटा दर्रा कुल्लू में स्थित है। दुलाची दर्रा जोड़ता है मंडी को कुल्लू से। सित्तीधार श्रावण वैली कुल्लू में स्थित है। बशैलियो पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। त्रियुगी मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। बचेश्वर महादेव मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कायास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। दियो टिब्बा वजीरी रूपी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। विशुद्ध पाल ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी जगतसुख से नगर को।
कुल्लू के राजा कैलाश पाल ने अंतिम समय पाल टाइटल जो था अपने नाम के साथ लगाया था, और कुल्लू के राजा राजा प्रीतम सिंह जो थे वो कांगड़ा के राजा संसार चंद के समकालीन थे। दीपसिंह ने कुल्लू के ऊपर अटैक किया था 1530 ईस्वी में, और कुल्लू के पूर्वजों की सीट होती थी पहले प्रयागराज में। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु फाउंडेड महलोक स्टेट, महलोक रियासत की स्थापना किसने किया। चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वीर चंद के द्वारा की गई थी महलोक रियासत की स्थापना। अच्छा, बात हुई है महलोक रियासत की, तो महलोक रियासत के बारे में आपको पता होना चाहिए। महलोक रियासत के जो राजा थे वो कहाँ से आए थे, तो ये आए थे अयोध्या से। और महलोक रियासत जो थी वो किसकी जागीर थी, तो महलोक जो थी वो कियोंथल की जागीर थी। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए, महलोक रियासत से कियोंथल का नाम भी आया है, तो कियोंथल के संस्थापक कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कियोंथल रियासत के संस्थापक थे गिरिसेन, 1211 ईस्वी में स्थापना की गई थी गिरिसेन के द्वारा कियोंथल रियासत की। और कियोंथल रियासत के अंतिम राजा कौन थे, तो कियोंथल रियासत के अंतिम राजा थे राजा हितेंद्र सेन। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए, कियोंथल रियासत से रिलेटेड और महलोक रियासत से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन 1946 फर्स्टली हु डिमांड फॉर पहाड़ी स्टेट, 1946 में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य की मांग की थी। आपको चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ठाकुर हजारा सिंह। ठाकुर हजारा सिंह के द्वारा 1946 ईस्वी में सबसे पहले पहाड़ी राज्य की मांग की गई थी। अच्छा, बात हुई है राज्य से संबंधित, तो राज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाब की पहाड़ी रियासतों को मिलाकर। तो टोटल 30 रियासतों को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और 1948 में अल्पकालीन सरकार बनी थी, तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अल्पकालीन सरकार जो कि 1948 में बनी थी उसके प्रथम अध्यक्ष थे शिवानंद रमौल। और 1948 ईस्वी में सुकेत सत्याग्रह भी हुआ था, तो सुकेत सत्याग्रह जो हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था पंडित पद्मदेव के द्वारा। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो नरेंद्र मंडल की स्थापना जो थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। ये आप याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए राज्यों से संबंधित, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल रियासती प्रजामंडल वॉज फाउंडेड इन, हिमाचल रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। अब चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1939 में स्थापना हुई थी हिमाचल रियासती प्रजामंडल की। और हिमालयन स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, तो हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना हुई थी 1946 को। और धामी गोलीकांड कब हुआ था, तो धामी गोलीकांड 1939 में हुआ था। मंडी षड्यंत्र केस कब हुआ था, तो मंडी षड्यंत्र केस जो था वो हुआ था 1914 ईस्वी में, और ये 1914 ईस्वी में हुआ था। और ये किससे प्रभावित था, तो ये गदर पार्टी से प्रभावित था। इतने कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन आप याद रखिए क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियसली। क्वेश्चन नंबर 11 है, रायसेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, रायसेन जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। अब चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है रायसेन जल विद्युत परियोजना। अच्छा, रायसेन जल विद्युत परियोजना की बात होगी, तो इस परियोजना के बारे में आपको पता होना चाहिए कितने मेगावाट की है। ये जो है 18 मेगावाट की है। इसमें कितने टर्बाइन है, इसमें टोटल जो है 3 टर्बाइन है, प्रत्येक टर्बाइन जो है 6 मेगावाट का है, और टोटल इसकी कैपेसिटी है 18 मेगावाट। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए रायसेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब बात हुई है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। बुधिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, और 70 मेगावाट का है, और रिवर रावी के ऊपर ये बना है। बेरास्यूल परियोजना जो है वो चंबा में है, और रावी नदी के ऊपर बनी थी 1981 में। साई कोठी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, और ये 15 मेगावाट का है। देवी कोटी परियोजना जो है चंबा में स्थित है, और 16 मेगावाट की है। हेल परियोजना डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, और ये 18 मेगावाट की है। और रायसेन परियोजना जो है वो 18 मेगावाट की है, और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। पतसरी परियोजना डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, और ये ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है, और ये 16 मेगावाट की है। तो
इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए, परियोजनाओं से रिलेटेड जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु रोट द बुक डोड्रक वार, डोड्रक वार के लेखक कौन है। क्वेश्चन चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सरब नेगी। सरब नेगी के द्वारा लिखी गई है किताब डोड्रक वार। अच्छा, बात हुई है किताबों की, तो किताबों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। तारीख़ रियासत सिरमौर किताब के लेखक हैं रणजौर सिंह। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लेखक हैं अनंत चंद। बिलासपुर आ पीपल बैट्रियाड के लेखक हैं अनंत चंद। कुल्लू देश की कहानी के लेखक हैं लालचंद पारथी। किन्नर प्रदेश हिमालय परिचय के लेखक हैं राहुल संकृत्यान। हिमालयन आर्ट के लेखक हैं जेसी फ्रैंक। प्राचीन हिमाचल के लेखक हैं एलपी पांडे। अबॉट ऑफ गॉड के लेखक हैं एंड्रयू विल्सन। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक हैं ईजे बक। हिमाचल प्रदेश परिचय हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक के लेखक हैं देवराज शर्मा। पॉलियंड्री ऑफ हिमालयस के लेखक हैं वाई एस परमार। हिमालयस अबॉट ऑफ लाइट के लेखक हैं निकोलस रोरिक। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट के लेखक हैं मनमोहन सिंह। हिस्ट्री ऑफ मंडी के लेखक हैं विक्रम कायात। मुख्तसर तारीख़ रियासत चंबा के लेखक हैं गरीब खान। कंट्री लाइफ के लेखक हैं नोरा रिचर्ड। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के लेखक हैं जे हरिश्चंद। एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक हैं जे पी एच वोगल। हिमालयन सर्किट के लेखक हैं जे डी घोसला। कुल्लू एंड लाहौल के लेखक हैं जे सी ब्रूसे। हिमालयन पिलग्रिमेज के लेखक हैं बी एन दत्तार। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति के लेखक हैं ए पी एफ हारकोर्ट। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम दी पंजाब हिल के लेखक हैं डब्ल्यू जी आर्चर। कांगड़ा वैली पेंटिंग्स कांगड़ा पेंटिंग्स के लेखक हैं एम एस रंधावा। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं किताबों से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, हिमाचल लोकायुक्ता अधिनियम कब पारित हुआ। बस चार ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।